हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेलीफोन पे हम कैसे कन्वर्सेशन करें और ये जो हेलो शब्द है, हेलो शब्द का ओरिजिन कैसा है, कैसे है। हेलो शब्द का जो हम यूज करते हैं जब भी हम टेलीफोन पे पहला बात कहते हैं तो बोलते हैं हेलो, वो कैसे ओरिजिन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और हम टेलीफोन पे ये यूज क्यों करने लगे। सबसे पहले हम समझते हैं जापान में हेलो के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। हेलो के लिए कोनी चीहा यूज होता है और आंसर देने के लिए मोसी मोसी। स्पेन में हेलो के लिए होला यूज होता है, आंसर के लिए दिगमे। दिगमे मीन्स टेल मी होता है, बताइए। इटली में प्रोंटो यूज होता है, प्रोंटो मीन्स हेलो। अब हेलो शब्द जो है बेसिकली डच वर्ड हुलो से ओरिजिन होता है और ये ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था उसके बाद उन्होंने अहो अहो वर्ड पे जोर दिया था ये बोलने के लिए, लेकिन लोगों ने ये वर्ड को यूज नहीं किया। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो ये मार्गरेट हेलो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके नाम पे हेलो शब्द आया है, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि ये हुलो डच वर्ड से ओरिजिन होती है इसका हेलो का, और ये बाद में लोग हुलो से हेलो यूज करने लगे। टेलीफोन कंपनियां जो थी वो हुलो से हेलो बना दी। तो आज हम लोग ये वर्ड हेलो बोलते हैं और पहली बार ये यूज किया गया लोगों के द्वारा। शिप्स पे ये हेलो बोलने के लिए बोला गया था ग्राहम बेल के द्वारा, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया और हेलो बोला गया। तो ये इंटरनेशनल, अब हम चलते हैं, हेलो शब्द का तो ओरिजिन समझ लिए, अब हम चलते हैं कि आखिर पोलाइट वे क्या है टेलीफोन पे बात करने का। टेलीफोन पे हम कैसे एक नम्रतापूर्वक बात कर सकते हैं। तो नम्रतापूर्वक बात करने के लिए इंटरनेशनल वर्कप्लेस भी एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमें कभी भी कॉल को रिसीव करके, जैसे कि कोई वर्कप्लेस में रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शन पे कैसे बात करेगा, तो वो बोलेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। ऑल्सो स्टार्ट विद द कंपनी नेम, कंपनी नेम के साथ भी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ABC कंपनी, हाउ कैन आई हेल्प यू। नॉर्वेगियन में ये कैसे बोलते हैं, वर शो गुड बी शो गॉड, ऐसे बोलते हैं। अब एग्जांपल हम ऑफ कन्वर्सेशन ऑन फोन समझते हैं कि हम कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं फ़ोन पे। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने कि जैसे कोई कंपनी की रिसेप्शन पे कैसे बात की करते हैं। रिसेप्शन पे कोई है, कोई RAC कंपनी है, वो आप कॉल करेंगे तो वो बोलेगी RSA कंपनी गुड मॉर्निंग टेल मी या टेल मी। उसके बाद जो पर्सन है वो कहेगा सेल्स फ्लेज, तो रिसेप्शन में बोलेगी वन मिनट या वन मोमेंट या होल्ड ऑन सेल्स। फिर वो सेल्स टीम को कनेक्ट करेगी, बोलेगी तो सेल्स टीम बोलेगा व्हाट डू यू वांट, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो जो पर्सन कॉल किया है वो बोलेगा कैन आई स्पीक टू मिस्टर राम, सेल्स टीम बोलेगी सर्टेनली वन अ मोमेंट। फिर राम बोलेगा हाय श्याम, राम स्पीकिंग या टॉकिंग। अब जो पर्सन जिससे बात करना है तो वो बोलेगा हाय श्याम, राम स्पीकिंग और टॉकिंग। उसके बाद श्याम बोलेगा हाय इट्स राम हेयर। तो अब ऐसे राम बोलेगा ओ श्याम हाउ आर यू, ऐसे कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। टेलीफोन पे जब हम किसी पहली बात करते हैं तो पहला जो सेंटेंस होता है वो कैसे शुरू कर सकते हैं वो समझते हैं। एक पर्सन ने जैसे वो कॉल करता है किसी को तो वो कैसे बोलेगा टेलीफोन पे कॉल करने के बाद, हेलो करने के बाद, कैन यू पुट मी थ्रू टू मोहन प्लीज। वो कॉल किया है मोहन से बात करने के लिए, तो वो कैसे
पोलाइट वे में कहेगा कि मेरी बात कराइए, तो वो बोलेगा कैन यू पुट मी थ्रू टू मोहन प्लीज। तो पर्सन जो होगा जिसने कॉल रिसीव की है वो बोलेगा सर्टेनली होल्ड ऑन, और कैन आई हैव योर नेम प्लीज, वो बोलेगा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, या बोलेगा थोड़ी देर रुकिए। फिर उधर से सी पर्सन जो आएगा जिससे बात करनी है वो बोलेगा हेलो सोहन, हेलो सोहन स्पीकिंग, या दूसरी भी बात की जा सकती है अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही बात की जा सकती है आस्क टू स्पीक टू मिस्टर रोहित। रोहित ने कॉल किया था सोहन से बात करने के लिए बट सोहन से बात नहीं हुई, तो वो कैसे बोलेगा कि बात उसको बोलिएगा कि मेरे से बात करें, तो बोलेगा आस्क टू स्पीक टू मिस्टर रोहित। तो ऐसे पोलाइट वेट में बात शुरू होती है। अब कुछ और भी तरीके हैं कि हम फ़ोन पे कैसे अपनी बात को शुरू कर सकें। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि हम क्या बात करें किसी से इंग्लिश में, पहले कैसे बात टॉकिंग शुरुआत की जाए। तो उसकी शुरुआत करने के लिए कुछ सेंटेंसेज है जो प्रीपेयर्ड हैं, पहले से प्रीपेयर्ड हैं, तो उनको यूज किया जाता है। जैसे कि कैन आई स्पीक टू समवन अबाउट, या अदर कुछ आगे यूज करना चाहते हैं, नाउन कोई नाम हो सकता है या कोई अदर वर्ब किसी रिलेटेड कोई काम से रिलेटेड हो। तो उसके बाद दूसरा आई एम कॉलिंग अबाउट, या कोई पर्सन कॉल कर रहा है किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, तो वो ऐसे कर सकता है कि आई एम कॉलिंग अबाउट दिस, आई एम कॉलिंग अबाउट जो भी है उसके बारे में बोल सकता है, कोई नाम है आदमी का या वर्ब यूज कर रहा है उसके लिए। या जैसे कह सकता है आई एम कॉलिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर जॉब्स और समथिंग एल्स। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं इट्स विथ रिगार्ड टू दैट थिंग्स, या कोई भी चीज, कोई परचेजिंग चीज़ या कोई वस्तु के बारे में, इट्स विथ रिगार्ड टू टेलीविज़न और एनीथिंग, या इट्स विथ रिगार्ड टू परचेजिंग समथिंग, परचेजिंग टेलीविज़न और एनीथिंग। उसके बाद दूसरा भी हो सकता है आई एम फोनिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन और दिस रीजन, और या किसी नाम है कोई आदमी के बारे में की वजह से, तो वो भी यूज कर सकता है। दूसरा ये भी यूज कर सकता है आई वुड लाइक टू टॉक टू या स्पीक टू, या कुछ भी यूज कर सकता है इन्फिनेटिव की जगह पे। दूसरा आई एम फोनिंग टू मैं बात करने के लिए किससे फोनिंग टू कर सकता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ या फ़ोन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आई एम फोनिंग टू परचेज, आई एम फोनिंग टू डू समथिंग, आई एम फोनिंग टू प्लानिंग टू प्लान समथिंग एनीथिंग। तो ये है फ़ोन पे बात करने के तरीके और कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे बात करें हम टेलीफोन पे इंग्लिश में। उसके बाद मैं डिटेल में और भी आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि हम और कैसे बात को बढ़ा सकते हैं टेलीफोन में, बेहिजक बात कर सकते हैं किसी से इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करने के लिए, बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर ये लेक्चर को आप लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।